बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रह रहे होंगे किसी के साथ प्यारे होंगे। फातिमा गुल की फरमाइश पे आज हम आए रियू पार्क। तो उसकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैंने एलिफेंट देखना है, तो एलिफेंट के चक्कर में ना पूछे आज हम कौन कौन सी जगह गए हैं, तो एलिफेंट हमें नहीं मिला। लास्ट उम्मीद यही थी, उसके अलावा एक और उम्मीद भी है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, उसके लिए पूरा दिन चाहिए। क्योंकि यहाँ पर शाम हो चुकी है, तो आज हम यू पार्क आए हैं और यहाँ के यू सेक्शन की तरफ हम अगर आ चुके हैं। इस पार्क में सबसे पहले घूमने एलिफेंट, वो अगर ना होगा तो आप और दूसरे जानवर हैं उनसे मिलवाना पड़ेगा, देखते हैं आज इसका रिएक्शन क्या होगा। अच्छा, तो फातिमा पार्क प्यारा है, ये बहुत अच्छा पार्क है। अच्छा, और आपने क्या क्या देखा है? अब्बा को अब्बा करो एक। थैंक यू। ये तो यहाँ पे मैं करीब आके जब मैंने देखा है वो जो टाइगर है, ओहो देख के डर लगा। ऊपर से ये है भी खुला हुआ, तो मैंने कहा पता नहीं ये ऊपर से बाहर ना आ जाए कहीं, लेकिन फिर इत्मीनान हुआ कि नहीं काफ़ी सारे लोग हैं, तो वो तो अपनी जगह बैठा है, हिला भी नहीं। अब जो दूसरा है उसकी तरफ जाते हैं, जो चीता है उसको देखते हैं वो क्या करता है। ओ टाइगर, ये दोनों टाइगर क्या कर रहे हैं फातिमा? दोनों एक वो भी घूम रहे हैं, वो भी है। दो हैं, घूम रहा है, वो घूम रहा है। ये व्हाइट टाइगर है और वो दूसरा ये व्हाइट है ना, इसको स्नो लेपर्ड भी कहते हैं, टाइगर भी कहते हैं। टाइगर वो जो दूसरा है वो उस तरफ है ना, उसको चीता बोलते हैं। बोला चीता, चीता। ये मोर, ये मोर। देखते हो चाचा चीता, ये देखो ची। ओ, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, वो काटता है। ये वॉक मोड पे वॉक कर रहा है, ये हिफाजत कर रहा है, और वहाँ शायद वो इसकी फीमेल है, वो जो सो रही है। बड़ा पुरसकून सा पार्क है, काफ़ी मज़े का है। पहले हम लोग जहाँ वाइल्ड लाइफ गए थे, तो एंटर होते ही वाइल्ड लाइफ तो फिर होता ही जंगल है, तो ना मुझे और ना बेगम को कोई उसकी जो सुनसानियत थी वो पसंद आई, तो हमने कहा यहाँ से निकलते हैं। ये फिर हम आए हैं अयूब पार्क पिंडी, काफ़ी अच्छी जगह है। आ जाएं आ जाएं। फातिमा ये क्या है? ओ क्या है जी? डियर, डियर। हाँ ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? ये डक नहीं है, ये ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच। काफी बड़े है यार, काला हिरन, ऑस्ट्रिच, ब्लू बॉल्स। तो लास्ट में उन्होंने कहा ब्लैक बियर को देख के फिर चलते हैं, तो ये फातिमा को बहुत पसंद आया। फातिमा ये क्या है, ब्लैक बियर? ओह रियली, ये पता नहीं आवाज़ कौन सी अब सुनेगा। इधर आओ,
से मस्ती से कभी इधर जा रहे हैं और कभी उधर। हेलो, हेलो, नहीं सुन रहा बेटा? सुन रहा। हाँ, कितना गंदा है बेबी, देखा है मट्टी लगी हुई है। बाय बाय, हम जा रहे हैं। फातिमा की नजर पड़ी गई है इस पानी पे, पानी क्रीम लेके जाओ। पानी क्रीम है तो काफी गंदा सा पानी है। वीडियो में बड़ा प्यारा सा दिख रहा होगा लेकिन बड़ा गंदा पानी है यार। फातिमा गंदा पानी है, साफ तो नहीं। तो बोटिंग भी बनाई हुई यार ना, जैसे बहुत ही कोई गंदा पानी है। गंदा पानी, गंदा पानी। एलिफेंट तो था नहीं इस जू में, सो फातिमा को दिखाने के लिए मैंने फिर ये एलिफेंट जो है इसकी पिक्चर भी बना ली है इसके साथ। मैंने कहा फातिमा यही एलिफेंट, बस जब भी ये कहेगी कि एलिफेंट देखना है तो हम इसको यही बोला एलिफेंट दिखाएंगे उस तरफ से। आज के व्लॉग का सबसे सैड मोमेंट ये है कि शॉप से कॉल आ गई है कि एक घंटे के अंदर अंदर पहुँचे, स्टाफ एक को एमरजेंसी होगी और उसने जाना है। तो मेरी छुट्टी होते हुए फैमिली के साथ पार्क में, और अब मैं दोबारा शॉप पे जाना है। क्या कहूँ मैं, क्या कहना चाहिए, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। वैसे जा तो रहा हूँ मैं, ये मेरी मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा। लेकिन फातिमा का वो जो पार्क कंप्लीट घूमने का मोमेंट था वो रह गया। आधा सा पार्क भी अभी हमने नहीं घूमा, ऊपर से कॉल आ गई। उसने थोड़ी सी देर और देखते हैं पार्क में बैक टू द वर्क क्या हो सकता है। सो आज का व्लॉग बड़ा शॉर्ट सा था, सोचा तो था कि प्रॉपर डिटेल के साथ पार्क में बनाऊंगा, लेकिन क्योंकि डिस्टर्बेंस ही आ गई है कि अब वापस जाना है शॉप पे, तो इसलिए शॉर्ट से व्लॉग को एंड करते हैं और लास्ट में जो हाईवे का थोड़ा सा जर्नी है उसको ऐड कर लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड पर। आज का व्लॉग एंड करते हैं यहीं पे। नवाज शहजाद को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।